24 घंटे के अंदर 71,879 नए केस सामने आए। राहत की बात इसमें यह है कि 57,41,153 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 81,945 लोग ठीक होकर अपने घर आए और 9,07,379 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा, डेथ रेट कम करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। यह बहुत ही मुख्य बिंदु है क्योंकि स्टडी में ये पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से मौतें नहीं रोकी जा सकती है। अब मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की बात करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,570 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1,38,668 तक पहुंच चुकी है। इंदौर में 425, जबलपुर में 141, ग्वालियर में 70, सागर में 32 और प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,488 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,888 नए केस सामने आए। कोरोना का कुल आंकड़ा 1,28,893 तक पहुंच चुका है। 2,847 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में 377 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के 27,238 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। जैसे ही प्रदेश अनलॉक हुआ, स्थिति यह बनी कि लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये चेन नहीं टूट पा रही है। बीच में राहत भरी खबर ये आई कि चेन टूट चुकी है, मामले कम आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर इन मामलों ने रफ्तार पकड़ी है।